सो फ्रेंड्स, एकम कसौटी का एग्जाम आप लोगों ने दिया है। आई होप आपका अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत इजी था, है ना? तो उसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं कि आपको किस अकॉर्डिंग आंसर लिखने थे और आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, ये डू यू नो जो स्पेसिफिक कॉलम्स दिए हुए होते हैं जो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं बुक में, जनरली हम उसको अवॉइड करते हैं पढ़ना, है ना? कई बार हम मिस कर जाते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन ये आया हुआ है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज परकिंजे, है ना? परकिंजे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म डिस्क्राइब किया था। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग साइटोप्लाज्म, है ना? साइटोप्लाज्म तो किसी भी सेल का हो सकता है अगर वो लिविंग है, यानी लिविंग सेल की बात कर रहे हैं जिसमें सेल और सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज परकिंजे। विच फिजिकल आइडेंटिटी हैज द यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के ऊपर -2 ऐसा लिखा हुआ है, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। वन वर्ड आंसर थे सारे, तो वन वर्ड में आंसर देना था इसमें। स्टेट इफ द सेंटेंस इज स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज फॉल्स काइंडली रेक्टिफाई द स्टेटमेंट। आप देख रहे हो एकम कसौटी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आप जनरली क्या करते हो, ट्रू फॉल्स तो करेक्ट करते हो लेकिन उसको रेक्टिफाई नहीं करते हो, तो वन मार्क आपको तब मिलेगा जब आपने वो क्वेश्चन अगर फॉल्स है तो रेक्टिफाई किया होगा। सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। और इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल विद नेकेड आई बिकॉज दे आर बिगर इन साइज। ठीक है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा वहां पर रेक्टिफाई करने के लिए, बिगर इन साइज। आपको वहां पर डायमेंशन नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट रेक्टिफाई इस तरह से करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल एंड कैन बी सीन विद नेकेड आई बिकॉज दे आर बिगर इन साइज। ओके, सो रेक्टिफाई का हाफ मार्क्स है, हाफ मार्क्स ट्रू और फॉल्स का होता है। ये क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट वाला जो करेक्ट करने का है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम में भी ऐसा हुआ था। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें आपने देखा था कि रॉक का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, वॉटरफॉल करके लेके आते हैं, एयर विंड जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सॉइल पहुंचाते हैं, तो इसमें सन है। सन का क्या रोल है, सन ड्यू टू हाई टेम्परेचर रॉक्स और स्टोन्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना? थर्मल एक्सपांशन हो जाता है जिसकी वजह से डैमेज ऑफ रॉक और माउंटेन होते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, और सॉइल फॉर्म होती है। वॉटर फ्री फ्लोइंग होता है और अपने साथ सैंड या सॉइल को लेकर आता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, या रेनी वॉटर जो होता है वो भी माउंटेन से सॉइल फॉर्म करने में हेल्प करता है। विंड मैंने एक्सप्लेन किया था। पॉलिथीन बैग, ऑब्वियसली दिस विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर, पॉलिथीन बैग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इन एनी टर्म फॉर मेकिंग सॉइल, है ना? इंस्टेड इट इज वी कैन से रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पोल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट पे हमने पूरा नोट प्रिपेयर किया है कि जिनका नेचर कोलॉइडल होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो कोलॉइड टिंडल, जो टिंडल इफेक्ट है वो कोलॉइड सॉल्यूशन की स्पेसिफिक यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें से कोलॉइडल कौन है, सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्ट पानी के अंदर बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा और फिर हमको सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, तो सॉल्ट ट्रू सॉल्यूशन है। मिल्क कोलॉइड सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट, अब आपको ऐसा लगता है कि हमने वो देखा नहीं, ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट जैसा सॉल्यूशन होता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है और फिर ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ये कलर कई बार आपके बुक में दिया हुआ तो है, ब्लू कलर का होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये डिसॉल्व होता है या नहीं होता है, कि कोलॉइड है कि सस्पेंशन है। तो कोलॉइड के एग्जांपल हमने बहुत रेयर एग्जांपल पढ़े हैं, जैसे डस्ट है, फिर ये मिल्क है ना? जब मिल्क क्लियर दिया हुआ तो टू आंसर इसमें नहीं है। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्ट की तरह पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और क्लियर सॉल्यूशन यानी ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करता है जिसमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। स्टार्च सॉल्यूशन
एज इट इज चॉक पाउडर जैसा सॉल्यूशन का होगा, यानी वो सस्पेंशन है। जैसे स्टार्च को आप पानी के अंदर डिजोल्व करोगे वो कुछ देर तक आपको मिल्की व्हाइट कलर का दिखाई देगा और कुछ देर बाद वो नीचे सेटल हो जाएगा। सो दिस इज सस्पेंशन। सो आंसर इज मिल्क। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट ट्रू सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन सस्पेंशन है। और कॉपर सल्फेट कहीं पर अगर हो सकता है आपको सस्पेंशन भी दिया हुआ हो कि पार्टिकल अगर बहुत बड़ी साइज के हैं तो कुछ देर तक डिजोल्व रहेंगे और बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, नेम ऑफ द ऑर्गेनेल विच परफॉर्म दिस स्पेसिफिक फंक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल, सिर्फ नेम लिखने थे आपको, टाइटल लिखना है, उसके सामने उसका नेम लिखना है। डायरेक्टली नेम लिखोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, डायरेक्टली नेम लिखते हैं, उससे अच्छा है कि आप सामने टाइटल और उसके आगे उसका नेम, वन वर्ड मतलब। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, चैनल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख सकते हो। अगर मुझे देखना पड़ेगा इसमें गोल्जी बॉडीज तो नहीं दिया, यही आएगा चैनल फ्रेमवर्क या ट्रांसपोर्टेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आएगा। सैक कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम्स, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, है ना। यहाँ पर प्लास्टिड नहीं लिखना है, क्लोरोप्लास्ट आंसर आएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, इसका यूनिटी होता है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन है कर सकते हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर प्रैक्टिकली यूज टू स्टॉप और कंट्रोल सॉइल इरोजन। अब देखो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, है ना। इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो MCQ तो है, ठीक है, तो 2 मार्क्स का पूछ लिया, लेकिन जो 1 नंबर का क्वेश्चन तो उसमें फॉलोइंग वर्ड कोई रिलेवेंसी नहीं रखता है क्योंकि नीचे ऑप्शंस नहीं है, है ना। तो यहाँ पर फॉलोइंग नहीं है, आपको डायरेक्टली ये ऐसे करना था कि विच ऑफ द विच मेथड्स आर प्रैक्टिकली यूज टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो फॉलोइंग वर्ड नहीं आएगा, तो आपको वो मेथड लिखने थे जिनसे सॉइल इरोजन स्टॉप हो सकता है। ठीक है, तो बुक में डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर प्लांटेशन हो, वेजिटेशन हो, जिसकी वजह से रूट्स जो है वो सॉइल को कैप्चर करके रखें, पकड़ के रखें, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो फर्स्ट जो इसका मेथड होगा वो होगा वेजिटेशन एंड प्लांटेशन, फिर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, है ना, फार्मिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप होनी चाहिए जिनकी वजह से सॉइल इरोज ना हो, फ्लड की वजह से या विंड की वजह से जो सॉइल है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट ना हो। ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वेजिटेशन एंड प्लांटेशन, ये इसके इफेक्ट्स होंगे। और क्योंकि हमको इसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि सॉइल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसको रिवर्स करना, मतलब जिसको फॉर्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सॉइल, सो वी मस्ट स्टॉप और वी मस्ट प्रिवेंट आवर सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इनको सॉइल में डंप नहीं करना है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज। ठीक है, तो ये इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स होंगे जिसको आपको 2 मार्क्स में इलेबरेट करना था। और अगर फॉलोइंग वर्ड से आप ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो और किसी ने स्किप किया, कुछ भी नहीं लिखा होता क्वेश्चन में, तो उसमें मार्क्स देना बहुत डिफिकल्ट है। आप जो भी लिखते हो, कुछ भी अटेम्प्ट करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन तो मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने ये मैसेज भी किया था कि ये फॉलोइंग वर्ड आप मत कंसिडर करो, उसमें आपको मेथड्स लिखने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर ऑफ 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिराइव्ड रिलेशन v=u+at, आप जो जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जिनको पता है, वो ये क्लियर समझ सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर इस इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। यहाँ पर डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं करवाया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको विदाउट करेक्शन भी ये डेरिवेशन इस इक्वेशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्लॉट करनी आनी चाहिए। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो गए, या आपने डेरिवेशन तो आप लिख ही सकते हो, ग्राफ
अगर आपसे ड्रॉ होता है और ग्राफ रॉन्ग ड्रॉ होता है तो एटलीस्ट डेरिवेशन तो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको करेक्ट करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर करना था। नाउ ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। लास्ट एकम कसौटी में प्लांट सेल आया था, इस बार एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आपको क्या ध्यान रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है, सेंट्रियोल बनाना है। अगर आपको समझ में आता है सेंट्रियोल तो ठीक है, वैक्यूल जो होती है वो छोटी होती है ना, और सिंपल डायग्राम आपको बनाना है। लेबलिंग में जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको किया था, एक्सप्लेन किया था, लेबलिंग में बहुत अच्छे से लेबल करना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। जैसे प्लांट सेल है तो हमने कैसे बनाई थी, प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी जो ब्रोकन बनाते हैं, और लेबल हमेशा वन लाइन में करो इस टाइप से, ठीक है। बहुत ज्यादा टेढ़ी लाइंस में है ना लेबल नहीं करना चाहिए, वो फिर बायोलॉजी के डायग्राम में वैसा सही नहीं होता है। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। वाटर पोल्यूशन क्या होता है हमने डिस्कस भी किया हुआ है। हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर एंड विच डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड मेक द वाटर पोल्यूट, है ना। तो यहाँ पर ये वाटर पोल्यूशन हो गया, है ना। फिर और भी वाटर पोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक यूजेस है ना, फिर ये जो डंप एरियाज हैं दैट काइंड ऑफ वाटर, और जो जितने भी डंपिंग साइट्स है मीन्स ड्रेनेज जो सिटी ड्रेनेज और इंडस्ट्रियल ड्रेनेज शुड नॉट बी पंप इन टू द वॉटर। तो ये कुछ आपको लिखना पड़ेगा वाटर पोल्यूशन इट्स इफेक्ट का। इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन के होते हैं डिजीजेस, है ना। आपको लिखना है इसमें सबसे पहले पुअर वाटर और पोल्यूटेड वाटर कॉज मेनी एपिडेमिक्स लाइक कोलेरा जॉन्डिस, है ना। सो डिजीज कॉजिंग वाटर इज ऑल्सो पोल्यूशन, ऑल्सो पोल्यूटिंग वाटर। देन मीन्स मेरा इसमें आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर दूसरा इफेक्ट होता है एक्वेटिक लाइफ एंडेंजर्ड, मीन्स वंस द वाटर इज पोल्यूटेड इट्स ऑक्सीजन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज एंड मरीन और एक्वेटिक लाइफ विल ऑल्सो अफेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगी, तो जो एक्वेटिक लाइफ के जो एक्वेटिक जो फिशेज और एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे उनको भी इफेक्ट होगा, ठीक है। सो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पर उसकी जो कमी हो जाती है उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर को पॉइंट्स बुक में जैसे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखना था। अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, लेकिन डिजीज है और एक्वेटिक लाइफ ये आपको दो पॉइंट्स में मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बुक में से बताती हूँ, द एडिशन ऑफ में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्री पॉइंट्स दिए हुए हैं जहां पर वाटर पोल्यूशन दिया हुआ है। वी यूज द टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट, द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज, ठीक है। और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस केमिकल हो सकते हैं, है ना, और प्लास्टिक्स हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स हो सकती हैं, है ना, सॉल्ट्स हो सकते हैं, हैवी मेटल सॉल्ट्स हो सकते हैं, मर्क्यूरी का एग्जांपल दिया हुआ है इसने, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सो फिर क्या होता है कि इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें लास्ट जो पॉइंट है उसमें द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज, डिजायरेबल सब्सटेंस तो रिमूव हो जाते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज बाय एनिमल्स एंड प्लांट विच आर लिव इन वॉटर डिक्रीजेस, सो दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, ये भी बताया कि अगर पोल्यूशन है वाटर का तो वो ऑब्वियसली वाटर के कंपोजिशन में, उसके मिनरल्स में, उसके टेम्परेचर में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से भी जो एक्वेटिक लाइफ है और उनकी ब्रीडिंग है, एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं और उनकी ब्रीडिंग पे भी इफेक्ट होता है। सो दिस विल इफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वाटर पोल्यूशन। आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, इफेक्ट्स पे 2 मार्क्स का, वाटर पोल्यूशन के बारे में 1 मार्क,
है ना, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट्स एटलीस्ट ये मेंशन करने, डिजीज होते हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है वो एंडेंजर हो जाती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ 4 मार्क्स, इजी क्वेश्चन इट इज। देखो, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 इनमिसिबल लिक्विड्स। हमने लिक्विड्स की मिक्सिंग के बेस, लिक्विड मिक्सचर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मिसिबल और इनमिसिबल। मिसिबल मतलब जो दोनों एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बना देते हैं, फिर उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सिंपल फिजिकल मेथड से वो सेपरेट नहीं हो सकते, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पहले मिक्स करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनकी जो होती है वो लेयर्स बन जाती है, यानी अलग अलग लेयर्स बन जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज, है ना। तो उसको बोलते हैं इनमिसिबल लिक्विड्स। उनको सेपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। तो आपको इसमें सेपरेटिंग फनल के बारे में लिखना है कि वी कैन सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ 2 इनमिसिबल लिक्विड्स यूजिंग सेपरेटिंग फनल। उसमें सेपरेटिंग फनल का डायग्राम भी बनाना है, यूज भी लिखना है, वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। पूरा केरोसिन और वाटर का एग्जाम्पल लिख सकते हो। आफ्टर सम टाइम वी विल ओपन द स्टॉप कॉर्क एंड अलाउ द लो डेंसिटी लिक्विड टू ड्रेन इन टू अ बीकर, ठीक है। तो डेंसिटीज में डिफरेंस का ये पॉइंट लिख के 2 मार्क्स का ये सेक्शन है, और क्योंकि इसमें 2 सेक्शन है इसलिए 2 2 मार्क्स के हम उसको डिवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द नीट एंड क्लीन डायग्राम द मेथड ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, वेन एवर लिक्विड्स डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू गैस, द मेथड इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी हम सॉल्ट और कैम्फर को जब सेपरेट करते हैं तो जो टेक्निक यूज करते हैं उसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसके लिए एक डायग्राम बुक में दिया हुआ है, वो डायग्राम आपको इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा हो एक्टिविटी में तो बहुत इजी सा डायग्राम था, यहाँ पर एक फनल बनाई हुई है ना, और यहाँ पर ये फनल कहते हैं उसको, ये जो पेट्री डिश है इसके अंदर हमने, आप जरूरी अगर आपको याद है कि इस मेथड से कर सकते हो तो अपना अपना खुद का भी डायग्राम आप बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो सॉल्ट एंड कैम्फर का मिक्सचर है, सॉल्ट प्लस कैम्फर, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस कैम्फर का ये मिक्सचर है, है ना। इसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर आप जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे कैम्फर, उसको भी कॉर्क से बनते हो, कैम्फर के जो वेपर्स है वो ऊपर कलेक्ट हो जाएंगी और सॉल्ट तो एज इट इज ही रहेगा। फिर आप फनल को हटा लोगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि जो एजेस है, मतलब ये जो इसकी वॉल है फनल की, उसपे कैम्फर की सॉलिडिफाइड कैम्फर आ गया है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है सब्लिमेशन को, विद डायग्राम भी बनाना था इसलिए इसका मार्क्स है। डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ सब्लिमेशन क्या होता है वही एक्सप्लेन करना था। तो ये आपका एकम कसौटी का पेपर हुआ जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। करेक्शन और बोनस के मार्क्स नहीं होते, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप वैसे भी अगर आपने लर्न किया है और लर्न करके लिखा है तो आपको करेक्शन समझ में आ जाते हैं, कभी जो मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको पेपर में बताई है। ओके, थैंक यू।